नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा सातवीं का गणित का वर्कशीट संख्या 20 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 1 अगस्त 2021, यहाँ पे 20 लिख गया है 2021 के लिए है। हमारा टॉपिक है ठोस आकारों का चित्रण। आइए सोचे, अब पिरामिड के कितने शीर्ष होते हैं, कोर और फलक कितने होते हैं। आपने पिरामिड देखा होगा, पिरामिड जो होता है नीचे जो है नीचे आप चतुर्भुजाकार आकृति दे सकते हैं, चतुर्भुज ये इस तरह की आकृति कोई भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ इस तरह का बेस होता है इसमें, और यहाँ से एक रस्सी उठाइए, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से, इन सबको मिला करके एक ट्रायंगल बना करके इस तरह से एक बिंदु पर मिला दीजिए, तो इस तरह से यह पिरामिड का निर्माण हो जाता है। यानी पिरामिड जो है नीचे चतुर्भुजाकार आकृति और ऊपर सारे एक बिंदु पर, सारे एक बिंदु पर, यहाँ से भी टाई होगा, यहाँ से भी, और ये इस तरह से पिरामिड बनता है। तो ये इस तरह से ये पिरामिड का निर्माण हो जाता है। तो इसमें कितने शीर्ष है, देखिए यहाँ पे एक शीर्ष, एक ये दो तीन और चार शीर्ष है, और ये वाला पार्ट जो है ये वाला फलक ट्रायंगल होगा, और तो ट्रायंगुलर पार्ट है और नीचे चतुर्भुज है, तो ये है पिरामिड। तो इसमें कितने कोर और कितने फलक होते हैं, तो आप देखिए इसमें जो कोर है यानी किनारा जो है, एक किनारा ये एक दो तीन चार, मतलब यहाँ से ये जो नीचे आकृति होती है देखिए, तो यहाँ से एक निकलेगा, एक यहाँ से, तीन और चार, ये चारों ऐसे ऐसे टाई होगा, तीन और चार, चार बन गया, फिर पांच छः सात आठ, आठ इसके किनारे हैं, शीर्ष एक दो तीन चार पांच शीर्ष है, और फलक जो है एक फलक, फिर दो फलक, एक फलक और चार ट्रायंगल, तो पांच फलक है। इस तरह से पांच फलक आप लिख सकते हैं। अपनी पसंदीदा दो 2D आकार और 3D वस्तुओं के कोई चित्र बनाइए, तो आप अपनी आकृति के अपने पसंद का कोई दोमितीय आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई है तो वो बना सकते हैं, और एक 3D आकृति बना सकते हैं। एक घनाभ का जाल खींचिए और उनके सजावटी घनाभ बक्सा बनाइए। एक घनावटी का जो आप बनाएंगे चित्र, तो देखिए इस तरह से आप इसमें डाल सकते हैं, इसमें चार, तो चार ये तीन और चार अलग अलग, देखिए फिर से देखिए आप इस तरह से चारों दीवारों का ले सकते हैं। तो ये एक ये हो गया, इसमें चार पार्ट कर दीजिए, तो ये चारों दीवारों का जाल हो जाएगा। एक ये एक दो तीन, मतलब बराबर बराबर भागों में बांट दीजिए, तो चार जाल हो गया, और एक ऊपर में होगा, एक ऊपर में और एक नीचे में कहीं भी डाल दीजिए, जिससे ये मिला करके एक इसको मोड़ेंगे तो ये बन जाएगा एक चारों साइड वाला, और एक इधर वाला ढक्कन बन जाएगा। तो ये चारों जो है ये इसका जाल हो गया, घनाभ का या घन का बनाएंगे उसी तरह बनाएंगे, तो वो उसका जाल बन गया। अब कह रहा है उसके एक सजावटी घनाभ बक्सा बनाइए, तो आप ये बना सकते हैं। अब कह रहा है एक सपाट पृष्ठ पर ठोसों का चित्र खींचना, किसी सादे कागज या वर्गाकार खाने वाले जिसको ग्राफ कहते हैं उस पर घन का चित्र बनाइए। यह 3D ठोस वस्तु जैसा दिखता है, जैसे ये दिख रहा है 3D की तरह दिखता है, परंतु उसकी मापों की लंबाई, किनारों की लंबाई को सही सत्यापित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के चित्र तिर्यक चित्र कहलाता है, ये तिर्यक चित्र है। समदूरिक शीट का प्रयोग करके आप ये इस तरह के एक शीट आता है जिसमें डॉट बना होता है, तो उसका प्रयोग करके आप समदूरिक चित्र बना सकते हैं, जिसमें ये जो है इसकी चौड़ाई और लंबाई मतलब समान गैप पे है, तो इसको भी आप सत्यापित कर सकते हैं। ये समदूरिक चित्र इसमें कहलाता है, डॉट से यदि बनाते हैं। एक समदूरित शीट में बिंदु की रेखाओं से बने छोटे छोटे समबाहु त्रिभुज में विभाजित हो जाते हैं। ये देखिए ये जो है ये समबाहु त्रिभुज में, जैसे ये समबाहु त्रिभुज में तीनों, तो इस तरह से समबाहु त्रिभुज में विभाजित हो जाते हैं, यानी समान दूरी पे स्थित है, ठीक है। तो इससे हम
समदूरिक चित्र बना सकते हैं डॉट वाले से। अब कह रहा है ठोसों को अनेक विधियों से देखा जा सकता है। आप कोई ठोस है, ठोस आकृति को आप कई तरह से देख सकते हैं। एक विधि यह है कि दिए हुए आकार को काट लीजिए और इससे हमें ठोस का एक ऊर्ध्वाधर और क्षितिज अनुप्रस्थ काट पता चल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। जैसे अब देखिए ये है, इसको यदि हम इसको ठीक बीचों बीच ऐसे काटेंगे, यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से यदि काटते हैं तो दो हिस्से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा ये आधा हिस्सा और आधा नीचे वाला हिस्सा। उसी प्रकार यदि हम इसको ऊपर से काटेंगे तो इसको कहेंगे क्षैतिज काट। ठीक बीचों बीच यदि काटते हैं तो इसको कहते हैं हम क्षैतिज काट। और यदि हम इसको ऐसे काटेंगे तो क्या होगा, इस तरह से यदि हम काटें यहाँ से और ऐसे काटेंगे तो ये हो गया अनुप्रस्थ काट, ऊर्ध्वाधर काट, ऊर्ध्वाधर काट। तो इस तरह से हमें दो आकृति दिखेगी, तो दोनों साइड से हम काट सकते हैं। तो ये हो गया ऊर्ध्वाधर, यानी ऊपर की ओर चाकू से या मतलब किसी चीज से ऊपर से काटना, ऊपर से नीचे की ओर काटना, और ये ठीक आकृति में बीचों बीच काटना, क्षैतिज रेखा में बीचों बीच काटना। जैसे अब अगला दिया हुआ है, यहां से इसको काटना है, यहां से काट एक जो क्षैतिज रेखा में काटेंगे तो ऐसे काटेंगे तो ये नीचे वाली आकृति तो ऐसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी या कोणाकार, और ऊपर वाली आकृति जो बन जाएगी इस तरह से बन जाएगी, ये इस तरह से बन जाएगी ऊपर की आकृति, ठीक है। और यदि हम यहाँ से काटते हैं, ऐसे करके काटते हैं तो हमें दिखेगा, इसको यदि काटते हैं इस तरह से तो कैसे दिखेगा, देखिए यदि हम इस तरह से काटते हैं तो ये दिखेगा ऐसे और फिर ऐसे और ये इधर से हिस्सा, और फिर यहां से यदि काटते हैं इधर वाले हिस्से को तो ये वाला हिस्सा दिखेगा और ये दो भागों में कट गया, ठीक है। इसी प्रकार एप्पल को यदि आप बीचों बीच काटते हैं तो एप्पल इसको यदि हम क्षैतिज रेखा में काटे तो इस तरह से दिखेगा, यहाँ से काट देते हैं तो क्षैतिज रेखा में दिखेगा, यानी इस तरह यदि क्षैतिज रेखा में हम काटते हैं तो ये इस तरह दिखेगा, नीचे वाला हिस्सा तो ऐसे है। इस तरह से नीचे वाला हिस्सा दिखेगा, ये इस तरह से होगा, और ऊपर वाले हिस्से में जो है इस तरह से दिखेगा, यहाँ पे एक डंडी है, इस तरह से ये आपका क्षैतिज तल में कटा हुआ दिखेगा। और यदि इसको ऊर्ध्वाधर में काटते हैं तो कैसे दिखेगा, देखिए इसी को जब इस तरह से बीचों बीच काटा जाएगा तो ये आपको दिखेगा, यहाँ से यदि काटा जाता है तो ऊर्ध्वाधर दिखेगा, यानी इस तरह से ऐसे करके और ये दिखेगा, और इसके नीचे आप बीज बीज भी दिखा सकते हैं और ये डंडी दिखेगा, और दूसरे साइड भी इसी तरह दिखेगा, दूसरे साइड भी इसी का आधा पार्ट इधर से दिखेगा, यहाँ बीज बीज का निशान दिखा सकते हैं, और इस तरह से आधा से इधर से दिखेगा, ठीक है। तो दो काट होता है, एक क्षैतिज काट और एक ऊर्ध्वाधर काट। क्षैतिज काट यानी ऐसे ऐसे काटना, क्षैतिज रेखा इसको कहते हैं, ऊर्ध्वाधर काट ऐसे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दूसरा है छायाएं। एक अच्छा तरीका है या दिखाने के लिए कि किस प्रकार त्रिमितीय वस्तु को द्विमितीय छाया के रूप में दिखाया जा सकता है। अब जैसे यहां से इस हाथ का डिजाइन बना करके इस तरह से दिखाया है, जिस तरह से ये दिख रहा है, आप ये कौवे का चोंच कह सकते हैं, ये कौवे का चोंच दिख रहा है, ठीक है। तो कौवे की तरह दिख रहा है ये, और जैसे ये हाथ का ये ऐसे बना करके दिखाया है तो ये इसमें जो आकृति है वो जो दिख रहा है वो कौवे सॉरी कुत्ते का भौंकते हुए चित्र दिख रहा है। यहाँ पर लिखा है जो कि क्या आप बता सकते हैं कि छाया में कौन सा जानवर या पक्षी दिख रहा है, ये कौवे की तरह है और ये भौंकता हुआ कुत्ता है। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं। इस
उसी प्रकार आप जो यह देखिए, यह तीसरा है, यह है कि यह किसी ठोस आकारों को विभिन्न कोणों से देखा जाए तो आकार के सामने का दृश्य अलग दिखेगा, पार्श्व दृश्य यानी बगल से देखते हैं तो किस तरह से दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो किस तरह से दिखेगा। जैसे ये कार है, कार को यदि हम पार्श्व यानी किनारे से देखते हैं तो ये वाला हिस्सा दिखेगा जैसा यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, और यदि आप ऊपर से देखेंगे तो ये वाला हिस्सा दिखेगा यानी ऐसे दिखेगा, ठीक है, और यदि आप आगे से देखते हैं तो ये वाला हिस्सा दिखेगा यानी इस तरह दिखेगा, ठीक है। इसी तरह आपको कह रहा है यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं तो उसके अनुसार आप पूरा कीजिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है पार्श्व दृश्य यानी यहाँ से देखने पर यह दिखता है, ऊपर से देखने पर यह दिखता है, और इसका यदि हम सामने से देखें तो क्या दिखेगा, ये सामने से दिखेगा ये तीन हिस्सा, ऐसे करके तीन हिस्सा, तीन और इधर वाला दो हिस्सा दिखेगा, तो यहाँ पे ये कर दीजिए और ये इस तरह से दिखेगा, तीन तीन ऊपर के खाने, ये वाले खाने और दो ये खाने दिखेंगे, ठीक है। अब इसी का ये कह रहा है जो कि ये तो है इसका ऊपर का दृश्य, ऊपर से देखने पे ये दिखता है, नीचे से सामने से देखने पे ये दिखता है, किनारे से पीछे से देखेंगे तो ये आपको ये दिखेगा, ये वाला हिस्सा ये आयताकार दिखेगा, ठीक है, और एक नीचे ये गुटका दिखेगा यहाँ पे है और एक ये दिखेगा, उसके साथ ऊपर में थोड़ा सा आपको ये भी दिखेगा, ये वाला जो गद्दी है थोड़ा सा दिखेगा गद्दी, और कुछ नहीं दिखेगा, इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। अब कह रहा है इसमें दी गई आकृति में समदूरिक चित्र बनाइए, तो ये देखिए ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आप 5 सेंटीमीटर यानी देखिए 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 तो ये ले सकते हैं, 5 ये हो गया, देखिए 1 2 3 4 ही होगा, 5 चाहिए था, 1 2 3 और 4 ही बच रहा है, तो 5 चाहिए हमें, तो 5 वाला लेंगे, देखिए 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब इधर भी 5 चाहिए तो इधर भी 5 ले लीजिए, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, और साथ में एक ऊंचाई लंबाई चाहिए और इधर भी 5 है, 1 2 3 4 और 5 इसको मिला दीजिए, और ये भी 5 चाहिए तो 1 2 3 4 और 5 मिला दीजिए और इसको मिला दीजिए, ठीक है। अब कह रहा है इधर 4 चाहिए, 1 2 3 और 4 इधर आएगा, और यहां भी 4 चाहिए, 1 2 3 और 4 इधर आएगा इसके सामने। अब कह रहा है एक इधर चाहिए यानी एक इसको मिलाइए और एक इसको मिलाइए, ठीक है, और फिर 1 सेंटीमीटर पे यहाँ पे इसको यहाँ से मिलाइए और इसको इसको भी ऊपर ले जाइए, एक ये हो गया और एक इधर जाएगा और ये मिलाइए, इस तरह से आपका ऊपर में चित्र बन गया 4 का और ये बन गया। अब इसको आप अपने तरफ से शेडिंग भी कर सकते हैं चाहे तो, इस तरह से शेडिंग कीजिए और यहाँ भी शेडिंग कर दीजिए, थोड़ा सा डिजाइन ये शेड आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से समदूरस्थ चित्र बन जाता है, ठीक है, आप खुद डॉट लेकर के बना सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।